पैदल चलने के 10 सेहत के फवायद। पैदल चलना वर्जिश की एक सादा लेकिन इंतहाई फायदामंद शक्ल है जो आपकी जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती के लिए बेशुमार फवायद फराहम करती है। यहाँ चलने के 10 फवायद हैं। कल्बी सेहत में बेहतरी, बाकायदगी से चहल कदमी दिल को मजबूत बनाकर और गर्दिश को बेहतर बनाकर आपके दिल की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद कर सकती है। वजन का इंतजाम, पैदल चलना कैलोरीज जलाने का एक मुअस्सर तरीका है जो मुतवाजन गिज़ा के साथ मिलकर वजन को बरकरार रखने या कम करना आसान बनाता है। मजबूत पट्ठे और हड्डियां, चहल कदमी आपकी टांगों और बुनियादी पट्ठों को टोन करने में मदद देती है और यह हड्डियों की कसाफत को भी फरोग दे सकता है जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम होता है। बेहतर जोड़ों की सेहत, ये एक कम असर वाली वर्जिश है जो जोड़ों पर नर्म है, जो उसे हर उम्र और फिटनेस लेवल के लोगों के लिए मौजू बनाती है। मोड में इजाफा, चहल कदमी एंडोर्फिन्स के इखराज को मुतहर्रिक करती है जो तनाव, इस्तराब और अफसरदगी को कम कर सकती है जिससे मोड बेहतर होता है। तवानाई में इजाफा, बाकायदगी से चहल कदमी आपकी तवानाई की सतह को बढ़ा सकती है और थकावट के एहसासात को कम कर सकती है। बेहतर करेंसी, चलने से आपकी रीढ़ की हड्डी को सहारा देने वाले उजलात को मजबूत बनाने में मदद मिलती है जिससे करेंसी बेहतर होती है और कमर का दर्द कम होता है। बेहतर इल्मी फेल, चहल कदमी को बेहतर इल्मी फेल, याददाश्त और तख्लीकी सलाहियतों से जोड़ा गया है। बेहतर नींद, चहल कदमी जैसी जिस्मानी सरगर्मी में मशगूल रहना बेहतर नींद को फरोग देता है और बेखाबी को दूर करता है। लंबी उम्र, मुताले से पता चलता है कि बाकायदगी से चलने वाले तवील अरसे तक जिंदा रहते हैं और दायमी बीमारियों का खतरा कम करते हैं जो तवील और सेहतमंद जिंदगी में हिस्सा डालते हैं। अपने रोजमर्रा के मामूलात में तेज चहल कदमी को शामिल करना आपकी मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती पर गहरा असर डाल सकता है। चाहे ये आराम से चहल कदमी हो या पावर वॉक, पैदल चलने के फवायद तकरीबन किसी के लिए भी आसानी से काबिल रसाई और हासिल किए जा सकते हैं।